The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपाउंड की, दवा की, जो मेडिकल फील्ड में आपके कई सारी बीमारियों में दिया जाता है, चाहे वो लिवर की बीमारी हो, आपके घुटनों जॉइंट की बीमारी हो, डिप्रेशन की बीमारी हो, माइंड के लिए, इन सब चीज़ों के लिए दिया जाता है। इस प्रोडक्ट, इस कंपाउंड का नाम है एस एडिनोसिल एल मिथायोनिन, यानी कि सैम ई नाम से बहुत फेमस कंपाउंड है। और ये आपके शरीर में हेल्प करता है एक आपके हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस और रेगुलेट करने के लिए, और साथ ही जो सेल्स के मेम्ब्रेन होते हैं उनको भी मेंटेन करने में मदद करता है। ये नॉर्मली भी प्रोड्यूस होता है आपके बॉडी में, और सिंथेटिक वर्जन इसका सैम ई जो अवेलेबल है डाइटरी सप्लीमेंट के तरह से। तो ये डाइटरी सप्लीमेंट आप मुंह से खाते हैं, ओरली लेते हैं, और इसके कुछ इंजेक्शंस भी आते हैं जो आप मस्कुलर या आईवी इंट्रावीनस यूज कर सकते हैं। जनरली इसको डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में, ऑस्टियोआर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में, जॉइंट प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट में, या सिवियर लिवर डिजीज के ट्रीटमेंट में, लिवर डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है ये सैमी। कुछ और अगर आप एंटी डिप्रेशेंट ले रहे हो उसके साथ भी इंटरैक्ट कर सकता है। अब रिसर्च ये बताता है कि डिप्रेशन के पेशेंट्स में पॉजिटिव इफेक्ट्स इसके साथ देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके ऊपर बहुत हैवी स्टडीज नहीं हुई हैं, बहुत डेडिकेटेड स्टडीज नहीं है। सो अभी हम इसको बहुत सिवियर इफेक्ट नहीं देखेंगे कि अकेला ये डिप्रेशन को ठीक करेगा। सेकंड, लिवर डिजीज में ज्यादातर स्टडीज जो है वो जो डिटरमाइन करती हैं कि लिवर स्टडीज में कोई दिक्कत है या नहीं है, वो अभी नहीं है। ज्यादा स्टडीज इसके ऊपर नहीं हुई है कि लिवर में कितना बेनिफिशियल है कितना नहीं, लेकिन इसको दिया जाता है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी देते हैं और कई सारे लिवर के पेशेंट्स लेते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है, ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में भी सैमी जो है, अगर हम नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के साथ देते हैं, यानी कि पेन किलर्स के साथ देते हैं, तो आपके दर्द में तो ये बेटर बेनिफिट्स दिखाते हैं और बेटर पेन रिलीफ दिखाते हैं, इंप्रूवमेंट ऑफ जॉइंट फंक्शन दिखाते हैं, जॉइंट फंक्शन आपका बेटर हो जाता है और इसके साइड इफेक्ट्स कम है, सैमी के साइड इफेक्ट्स कम है। तो स्मॉल इसके ऊपर भी नंबर ऑफ स्टडीज जो है काफी स्मॉल है, और जनरली ये सेफ है, साइड इफेक्ट्स इसके बहुत नाके बराबर होते हैं। सैमी को रेगुलरली इन तीनों बीमारियों में दिया जाता है। आप इसे लेते हैं तो मैक्सिमम आपके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? सैम ई के साइड इफेक्ट डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, नौजिया, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, तीनों में किसी को कोई माइल्ड सा इंसोमनिया होने का, यानी कि नींद कम आने का, डिजीनेस, चक्कर आने का, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी या स्वेटिंग होने का रिस्क हो सकता है, सबको नहीं होता है। और अगर आपको कोई पहले से बीमारी है, बाइपोलर दिमागी बीमारी है, तो आप बिना डॉक्टर के, और या कोई इम्यून सिस्टम आपका कॉम्प्रोमाइज है, तो बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं लेंगे। इंटरेक्शंस में एंटी डिप्रेशन के साथ मैंने बताया इसका इंटरेक्शन है, तो एंटी डिप्रेशन अगर आप पहले से ले रहे हैं तो उसके साथ ना लें, डॉक्टर को पूछ के लें किस प्रकार से लेना है, स्पेस देना है, क्या करना है। एंटी साइकोटिक मेडिकेशन या एम्फेटामिन्स के साथ में भी इसका इंटरेक्शन हो सकता है, इसके वजह से सेरोटोनिन सिंड्रोम आने का रिस्क बढ़ सकता है। और डेक्स्ट्रोमेथोरफान जो खांसी का एक कफ सप्रेसेंट मेडिसिन है, वो भी आपका इसके साथ में आपको नहीं लेना चाहिए। तो खांसी का सप्रेसेंट डेक्स्ट्रोमेथोरफान, लिवोडोपा या कोई नार्कोटिक्स मेडिसिन हैं उनके साथ में भी इसका इंटरेक्शन होता है। और ऐसे अगर आप इसको किसी नार्कोटिक्स यानी कोई पेन किलर मेडिसिन आती हैं, ट्रामेडोल, उनके साथ में लेते हैं, तब भी आपका सेरोटोनिन सिंड्रोम आने का रिस्क जो है, उसके साइड इफेक्ट्स आने का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। सो याद रखिए, इसका ये एक तरीके से सेफ सप्लीमेंट है, लेकिन कुछ दवाइयों के साथ इसको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। सेरोटोनिन सिंड्रोम क्या होता है? सेरोटोनिन सिंड्रोम वो होता है कि आपके बॉडी के अंदर सेरोटोनिन नाम का एक जो न्यूरोट्रांसमीटर, एक हार्मोन है, एक पदार्थ है, वो ज्यादा हो जाता है, उसके वजह से आपके सिम्टम्स आ सकते हैं, आपके एजिटेशंस हो सकते हैं, प्यूपिल्स डायलेट हो सकते हैं, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, और स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो सकती है, डायरिया हो सकता है। सो इस प्रकार के सिम्टम्स आ सकते हैं सेरोटोनिन सिंड्रोम में, ठीक है? तो दो बहुत ज्यादा सेरोटोनिन हो जाए तब ऐसा होता है। सो आई होप आपका सैम ई के बारे में आपको क्लियरिटी आ गई होगी। कुछ सवाल इसके ऊपर आए थे, बार बार आ रहे थे, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू एड्रेस एवरी क्वेश्चन पॉसिबल, ठीक है? थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।